गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 6 क्लास 8 साइंस. ओके, कंबक्शन एंड फ्लेम. व्हाट इज दिस मीन? दिस मीन जब हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में किसी चीज़ को जलाते हैं और वो हमको हीट एंड लाइट प्रोवाइड करवाती है, दैट इज कॉल्ड कंबक्शन. एंड दिस इज फ्लेम, मीन्स लपट, जो लपट के साथ, लोक के साथ जले. ओके, सो व्हाट इज कंबक्शन? यहां से देखिए, अ केमिकल प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के संग रिएक्ट करेगी एंड गिव ऑफ हीट इज कॉल्ड कंबक्शन, जिससे हीट मिले. द सब्सटेंस दैट अंडरगोज कंबक्शन इज सेड टू बी कंबस्टिबल, जो इसके संग जो भी जिसने ये दिया है वो कंबस्टिबल सब्सटेंस कहलाएगा, या उसको अपन फिर सिंपल शब्दों में फ्यूल कहेंगे. ओके, तो ये आपसे पूछ रहा है कि आप कैसे कैसे और से कौन कौन से सब्सटेंस बता सकते हैं जो कम्बस्टेबल हो, मतलब जो हीट और लाइट दे. फिर ये आपकी एक्टिविटी है, देखिए एक्टिविटी में क्या दिया है. ये आपकी 3 मोमबत्तियां हैं. पहली मोमबत्ती जल रही है क्योंकि ये देखिए ये थोड़ी सी थोड़ा ये गिलास अधर रखा हुआ है, दूसरे में ये बुझ गई, ठीक, और तीसरे में भी ये बुझ गई क्योंकि दूसरे में भी गैस या ऑक्सीजन आने की कोई सुविधा नहीं है और तीसरे में भी नहीं है, हमने ब्लॉक कर दिया है. तो इससे अपन को क्या समझ में आया कि किसी भी चीज़ को जलने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है. सो इसमें भी लिख रहा है, वी फाइंड दैट कंबक्शन एयर इज नेसेसरी, कंबक्शन के लिए एयर जरूरी है. और कैंडल अपन ने ABC की अपन ने प्रोसेस देख ली. यू माइट हैव हर्ड दैट वेन द क्लोथ्स ऑफ पर्सन कैचेस फायर, जब किसी के आग लग जाती है, द पर्सन इज कवर्ड विद अ ब्लैंकेट टू एक्सटिंग्यूश फायर. आपने देखा होगा, ये देखिए इसको ब्लैंकेट कंबल उड़ाया हुआ है, ये आग से जल गया था तो आग को बुझाने के लिए. तो कंबल का उपयोग क्यों किया गया? क्योंकि इसको डालने से इसकी बाहर की ऑक्सीजन से इसकी आग का संपर्क टूट गया और आग को लगातार कंटिन्यूस जलने के लिए किसकी ज़रूरत थी? ऑक्सीजन की. तो वो हमने उसकी प्रोसेस को ब्रेक कर दिया तो इसलिए आग बुझ गई. अब ये द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेस फायर, हर सब्सटेंस का टेम्परेचर अलग अलग होता है जिस पर वो आग पकड़ ले, ठीक है. जैसे आप किसी मेटल की चीज़ में आग लगाइए, या किसी अब आप किसी लकड़ी की चीज़ में लगाइए, या फिर आप कागज़ में लगाइए, तो जिसमें जितनी जल्दी आग लग रही है वो उसके टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है. जितना टेम्परेचर उसका आग पकड़ने का कम, उतनी जल्दी उसमें आग लग जाएगी. जिसका टेम्परेचर ज़्यादा तो उसको उतना ही हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा, तब उसमें आग लगेगी. तो दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर. ओके, व्हाट इज द डेफिनेशन? द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेस फायर, ऐसा लोएस्ट टेम्परेचर जिस पर कोई भी चीज, कोई सब्सटेंस आग पकड़ ले, दैट इज कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर. ओके, वी फाइंड दैट कम्बस्टिबल सब्सटेंस कैन नॉट कैचेस फायर और बर्न एज लॉन्ग इट्स टेम्परेचर इज लोअर देन इट्स इग्निशन टेम्परेचर. मतलब कोई भी चीज जब तक आग नहीं पकड़ सकती जब तक आप इसका इग्निशन टेम्परेचर वो प्राप्त ना कर ले. द सब्सटेंस इन विच हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर एंड कैन ईजिली कैच फायर, मतलब जिनका टेम्परेचर बहुत कम होगा इग्निशन टेम्परेचर, उनमें बहुत जल्दी आग लग जाएगी, दैट इज कॉल्ड इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेज. आपने ट्रक वगैरह में भी देखा होगा, पेट्रोल वगैरह के जाते हैं तो उस पर इनफ्लेमेबल लिखा रहता है,
इन फिल्मों में मतलब बहुत जल्दी उसमें आग वो पकड़ सकता है, मतलब उसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम है। हाउ डू वी कंट्रोल फायर, अपन फायर को कंट्रोल कैसे करते हैं? तो आप ये देख रहे हैं, इसमें ये क्या कर रहा है, वाटर डाल रहा है। तो इसकी क्या प्रोसेस है, देर आर फ्यूल, उस समय क्या है आपके लिए, एयर, जब उस घर में आग लग रही है, सप्लाई एंड हीट, और उसे हीट उत्पन्न हो रही है, मतलब उसको उसका क्या मिल गया, इग्निशन टेम्परेचर मिल गया। तो अपन को क्या करना है, अब अपन फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करेंगे, मतलब आग बुझाने के लिए। तो अपन क्या करेंगे, अपन इस पर पानी चलाएंगे, पानी डालेंगे, इससे क्या होगा, जो भी चीज़ जल रही है मतलब उसको उतनी हीट मिल गई है जिससे वो जल सके, मतलब उसका वो इग्निशन टेम्परेचर वो प्राप्त कर चुका है। तो यदि हम उस पर पानी डालेंगे तो उसका वो टेम्परेचर कम हो जाएगा, कम हो जाएगा तो वो बुझ जाएगी। तो इसलिए उसको कूल डाउन करने के लिए अपन ये पानी डालते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, नेक्स्ट क्लास विल बी इन कमिंग डेज। थैंक यू वेरी मच।